दक्षिण राज्य केरल में एक बार फिर निपा वायरस फैलने की खबर है। कोझिकोड जिले में बुखार से दो मरीजों की मौत के बाद दक्षिण राज्य केरल में एक बार फिर निपा वायरस फैलने की आशंका है। कोझिकोड जिले में बुखार से दो मरीजों की मौत हुई है। ऐसी आशंका है कि निपा वायरस से दोनों मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। क्या कुछ कहा सुनिए। Was regarding there are 9 states are so prone to this Nipah virus. What are the long-term measures that health ministry is taking regarding this? Uska solution, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होने से फैलते हुए रोकने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उस पर ही ज्यादातर काम करना होता है। चामाचिड़िया से फैलने वाले रोग है तो वो कहां रहते हैं, जहां रहते हैं वहां फैलते हैं, उसके साथ लोग जहां उसका सह अस्तित्व बनता है, ऐसे स्थिति में उसको कैसे वहां प्रिकॉशन ले, क्या क्या एक्शन करना चाहिए, उसके लिए भी एक गाइडलाइन तय की गई है। वो गाइडलाइन के तहत हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ताकि हम उससे बचे। उसके लिए और कोई विशेष तो मेडिसिन होती नहीं है। जो मेडिसिन है जनरल वहां जो मेडिकल ऑफिसर प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है। क्या हाँ वो कन्फर्म हो गए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरने वालों में से एक के रिश्तेदार की हालत भी गंभीर है और उसे आईसीयू में एडमिट किया गया है। निपा वायरस के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे आ गया है। जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। साथ ही कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि निपा वायरस का पहला मामला सबसे पहले सिंगापुर मलेशिया में 1998 और 1999 में सामने आया था। ये सबसे पहले सुअर, चमगादड़ या अन्य जीवों को प्रभावित करता है और इसके संपर्क में आने से मनुष्यों को भी चपेट में ले लेता है। निपा वायरस मनुष्यों के संक्रमित सुअर, चमगादड़ या अन्य संक्रमित जीवों से संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस एंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है। ये इन्फेक्शन फ्रूट बैट्स के जरिए लोगों में फैलता है। खजूर की खेती करने वाले लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी आते हैं। 2004 में इस वायरस की वजह से बांग्लादेश में काफी लोग प्रभावित हुए थे। निपा वायरस से पीड़ित मनुष्यों को इस इंसेफ्लेटिक सिंड्रोम के रूप में तेज संक्रमण, बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, विचलन, कोमा और आखिर में मौत जैसे लक्षण नजर आते हैं। मलेशिया में इसके कारण करीब 50% मरीजों की मौत तक हो गई थी। मनुष्यों में छिपा निपाह वायरस ठीक करने का एकमात्र तरीका है सही से देखभाल। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।